भाई आज 26 जनवरी है, चलो टीवी देखते, कुछ अच्छा प्रोग्राम आया होगा। हाँ लगा ना फिर। बनकर वो टीवी। क्या हुआ भाई? मुझे टीवी नहीं देखना आज के बाद, साला रेसिस्ट इडियट बॉक्स। लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ भाई। अच्छा लगा फिर, दिखाता हूँ तुझे इंडियन एड्स का रेसिज्म। Come to the dark side. लेकिन जैसे ही हम अपने से खूबसूरत लोगों को देखते हैं तो पता चल ही जाता है। लेकिन अब दुखी मत रहिए, गोरा होने के अपने सपने को अब सच करने का वक्त आ गया है। कुछ कितनी सुंदर लड़की है चुड़ैल साली। मुझे एक बात बता चुड़ैल औरत, खूबसूरती और गोरेपन का क्या कनेक्शन है भाई? मतलब तुम्हारे हिसाब से जो इंसान गोरा है वही खूबसूरत है, तो फिर इन लड़कियों को मिस वर्ल्ड का खिताब क्या अंधों ने दिया है क्या? तुम लोगों को बता दूं, किसी जमाने में ये अपने आप को खूबसूरत कहने वाली गोरी चुड़ैल बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन का काम कर चुकी है। अब टीवी सीरियल वाले भी नहीं पूछते इसे, इसलिए ऐसे फालतू एड्स में काम करती रहती है। और दीपिका, प्रियंका, काजोल जो इससे डार्क है, वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि चाहे वो कटरीना हो या प्रियंका, वो अपने टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल हुई है, स्किन कलर की वजह से नहीं। आई बड़ी शान पट्टी करने वाली। हर लड़के की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी मगर मेरी नहीं। शायद मुझ में वो अट्रैक्शन नहीं था, एक्चुअली मेरे चेहरे में ही कमी थी। मेरा चेहरा काफी डार्क था और साथ में पिंपल। ये ऐसे लोग होते जो चंद पैसे के लिए अपने चेहरे पर कोयला क्या गोबर मलकर भी फोटो खींचने के लिए रेडी हो जाते। मैं पहला काला था, ये क्रीम लगाते ही मैं गोरा हो गया। चुप कर सुअर की औलाद, एक नाक बहने वाला छोटा बच्चा भी पहचान लेगा कि ये फोटो मेकअप लगाकर खींची हुई है। थैंक यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू टू। पहले कॉलेज में सभी लोग मुझे इग्नोर किया करते थे, स्पेशली लड़कियां। ये फेयर लुक का ही असर है कि आज मैं कॉलेज की हर लड़की का फेवरेट हूँ। नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है तेरी। वो जो लड़कियां फ्रेंडशिप बैंड मानकर गई है ना तुझे, फ्रेंड जोन करके गई है ताकि तेरे जैसा एलियन बंदर उनके गले ना पड़ जाए। तू कौन सी भी ब्यूटी प्रोडक्ट ऐड उठा के देख ले, उसमें कुछ चीजें तुझे हमेशा कॉमन मिलेगी। पहले तो एक मेकअप की हुई डार्क लड़की दिखाते हैं जो दुखी होती है, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक बजता रहता है, उसको कोई चपरासी की नौकरी तक नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो काली है ना। फिर अचानक से एक उसकी चुड़ैल सहेली प्रकट हो जाती है, वो उसको एक बंदर की टट्टी वाली क्रीम लाके देती है। फिर वो क्रीम लगाने के बाद वो लड़की 7 दिनों में इतनी गोरी हो जाती है कि उसकी स्किन चमकने लगती है। गांव के बच्चे उसके स्किन के रोशनी में पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये लड़की इतनी खूबसूरत बन जाती है, 7 दिन में कलेक्टर बन जाती है, 8वें दिन कंपनी की सीईओ बन जाती है, 9वें दिन एस्ट्रोनॉट बन जाती है, 10वें दिन प्लूटो ग्रह पे जाके किसी एलियन के साथ कैंडल लाइट डिनर करके आती है इसकी माँ की। कंट्रोल भाई कंट्रोल। नहीं क्या समझ के क्या रखा है यार, इतनी तेज सक्सेस मिलती क्या किसी को? रुला देते हो यार तुम ऐड वाले। नहीं नहीं शांत भाई शांत। आप में से कई लोगों ने इस काली बिल्ली को टीवी पे जरूर देखा होगा, ये देवी लोगों को हाइट बढ़ाने वाली जड़ी बूटी बेचती है। आपको भी लगता है ना कि भगवान ने मेरे शरीर का थोड़ा और अच्छा विकास किया होता तो कितना अच्छा होता। काश भगवान ने तुझे बनाया ही नहीं होता, फिर ये हाई हील्स पहनकर तू रोज टीवी पे लोगों का सर तो नहीं खाती बेवकूफ औरत। तुझे इतना क्या अपने हाइट पे गुरूर है? तू तो पिचका हुआ अंगूर है और तेरा होने वाला पति लंगूर है। दिन बाद फर्क महसूस, और जब 6 महीने बाद मेरे डैड दुबई से रिटर्न आए तो वो तो मुझे देख के शॉक्ड हो गए। और लड़कियां तो ये देख लो पूरे 30 हैं। अबे तुझे भी फ्रेंड जोन कर दिया रे सड़ेले मच्छर की सड़ेली टट्टी, जा तुझसे कट्टी। आप लोगों को क्या लगता है ये लंबी हाइट होने से लोग सक्सेसफुल बनते हैं? अरे घंटा बनते हैं। जिंदगी में लंबी हाइट होने का सिर्फ एक फायदा है। क्या? आप दरवाजे की ऊपर वाली कुंडी खोल सकते हो। हाँ, और वैसे भी वो सिस्टम अब रिप्लेस हो चुका है। अगर आपके पास टैलेंट है ना तो चाहे आप लंबे हो, छोटे हो या मीडियम हाइट के हो, आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। और ऐसे बंदर किसी कॉलेज के सामने एक टपरी खोलकर यही फ्रेंडशिप बैंड बेचते हुए नजर आएंगे। लिख के ले लो। तुझे पता है ऐसी एड्स बनाने वाली कंपनियों का कोई दोष नहीं है, प्रॉब्लम तो हम में है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा धूप में मत जाओ, काले पड़ जाओगे, साइकिल चलाओ वरना हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसी कई और चीजें हमसे कही जाती है। इससे होता यह है कि जो लोग काले हैं या नाटे हैं, वो लोग अपने आप में किसी तरह की कमी महसूस करने लगते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो पड़ जाता है। फिर ये लोग जब टीवी पे ऐसी घटिया ब्यूटी प्रोडक्ट्स की या बॉडी ग्रोथ की एड देखते हैं, तो इन्हें एक आखिरी उम्मीद नजर आती है और वो खरीद लेते हैं। इसी वजह से इन फालतू कंपनियों का धंधा चलता है। मुझे इन कंपनियों के प्रोडक्ट पे कोई डाउट नहीं है, शायद कोई प्रोडक्ट आपको गोरा बना भी दे या आपकी हाइट बढ़ा भी दे, लेकिन क्या आपका रंग और बॉडी की साइज सच में मैटर करती है? चाहे इंसान काला हो या गोरा, लंबा हो या नाटा, मोटा हो या पतला, हर एक इंसान जिंदगी में हर एक चीज पा सकता है अगर उसमें टैलेंट है और वो चीज हासिल करने की काबिलियत है। और ऐसी काबिलियत पाने के लिए तुम्हें किसी फालतू प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपने काम पे ध्यान दो, मंजिल जरूर मिलेगी। और जब ऐसी ही सोच देश का हर एक इंसान रखेगा ना, तब जाके अपना देश बदलेगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जय हिंद। किस्मत है नाराज खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी, हर मुश्किल को झेल जाएंगे, आग हो या पानी खेल जाएंगे, स्ट्रगल देख सब हो गए ढेर, मेरा चीड़ा फाड़ा जैसे बब्बर शेर, देर सवेर कभी ना कभी, आज नहीं तो और कभी, करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी, हो शोर कभी उन लोगों का जो करते तुम्हें सपोर्ट, कर साथ रहा फिर उन सबका तो ओके होगी सारी रिपोर्ट, है होश वही मत होश नहीं, हेटर्स मेरे सारे बेहोश कहीं, उनमें है जलन आक्रोश वही, कुछ काम करने का जोश नहीं, जिस वक्त वो घर पे सो रहे थे हम जिम्मेदारियों को ढो रहे थे, जब हमको मिली सक्सेस की ट्रॉफी वो फोन पकड़ के रो रहे थे, जानबूझकर अनजाने में अपना आपा खो रहे थे।